इटालियन कोरोना की महामारी के चलते बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम डिले हो गया है। आपको बता दें कि एग्जाम डिले होने के बाद कैडेट्स का 5 दिवसीय शिविर अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में लगाया गया। अंबाला मुलाना नारायणगढ़ के 10 कॉलेजों से लगभग 250 कैडेट्स ने शिविर में भाग लिया। बी सर्टिफिकेट के लिए 3 दिन का और सी सर्टिफिकेट के लिए 5 दिन का शिविर रखा गया। शिविर में लड़कियों को फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। बता दें कि 5 दिन चलने वाले इस शिविर में प्रतिदिन एनसीसी के कैडेट्स को ड्रिल के बेसिक की जानकारी दी जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि हथियारों के टेक्निकल डेटा के बारे में मैप रीडिंग, मैप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ड्रिल में चलते चलते दाहिने बांह की सैल्यूट कैसे की जाती है, चलते चलते कैसे लड़ाई के मैदान में पोजिशन चेंज किया जाता है। मुलाना कॉलेज की छात्रा अंडर ऑफिसर हिमांशी ने बताया कि एनसीसी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एनसीसी हमें सिखाती है कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने दुश्मनों का सामना कर सकते हैं और परिस्थितियां कैसी भी हों हमें उनका सामना करना चाहिए। एसडी कॉलेज की छात्रा अंडर ऑफिसर आयुषी ने बताया कि वह एनसीसी की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। हमने एनसीसी में बहुत कुछ सीखा है। हम फिजिकली डेवलप तो होते ही हैं, साथ में इमोशनली और मेंटली भी बहुत डेवलप होते हैं। हमें अलग अलग कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है। कैडेट आरती ने बताया कि इस कैंप में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमें फायर रेंज में लाया गया और यहाँ पर हमें फायरिंग करना सिखाया गया। वही एनसीसी कमांडेंट कर्नल एनएस बिष्ट ने बताया कि अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में स्थित 121 नंबर का कैंप चल रहा है, जो कि बी सर्टिफिकेट के लिए 3 दिन का है और सी सर्टिफिकेट के लिए 5 दिन का, जिसमें तमाम एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाना है। उन्होंने बताया कि वेपन ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर कैडेट्स फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाता है। उनसे उन्हें मौका दिया जाता है कि वह यहाँ पर कल्चरल शो करें। उनके अंदर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज की ट्रेनिंग दी जाती है। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम अंडर ऑफिसर हिमांशी है। मैं MDU मुलाना कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। NCC से मैंने आज तक बहुत कुछ सीखा है। NCC ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा NCC ने हमें ये सब सिखाया है कि कैसे हम अपने दुश्मनों के साथ डील कर सकते हैं। NCC हमें ये सब सिखाती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं अंडर ऑफिसर आयुषी, ST कॉलेज अंबाला कैंट से। मैं NCC के 3rd ईयर में हूँ और अभी तक NCC में बहुत कुछ सीखा है। हम फिजिकली डेवलप तो होते ही हैं, साथ में इमोशनली और मेंटली भी बहुत डेवलप होते हैं। हमें अलग अलग कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है। हमारा EBSB कैंप भी लगा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें हमने अलग अलग स्टेट्स के कल्चर को भी सीखा। हमें यूनिटी मिलती है NCC में, हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ही डिसिप्लिन्ड हो जाती है। तो यहाँ पर भी कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी हमें फाइल फॉर्मेशंस के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर बेसिक मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है जो कि हमें आगे भी बहुत फ़ायदेमंद है और हम डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद। क्या नाम है? मैं कैडेट आरती, गवर्नमेंट PG कॉलेज से हूँ और मैंने यहाँ NCC का कैंप लगाया बी सर्टिफिकेट के लिए। और ये कैंप में हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला और आज हमें यहाँ फायर पॉइंट पर लेके आए हैं हमारे सर, तो उन्होंने हमें फायर करना सिखाया ओनली 1 दिन में। और नेक्स्ट ये रिजल्ट है फायर का और इसमें मेरी एक मिस फायर थी जो कि चली नहीं थी, बट 4 करेक्ट लगी हैं। और बाकी थैंक यू, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी NCC में बहुत ही हम अपने देश के लिए जैसे कुछ करना चाहते हैं और बाकी अपने देश की सफलता के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। NCC ज्वाइन किया हमने, थैंक यू। जय हिंद। मैं कर्नल LS बिष्ट, कमांडिंग ऑफिसर 1 हरियाणा गर्ल्स NCC बटालियन का CO हूँ। हमारे बटालियन में अंबाला कैंट में आर्य गर्ल्स कॉलेज में स्थित 121 नंबर का कैंप चल रहा है, जो कि बी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए 3 दिन का है
और सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के लिए 5 दिन का है। इसमें तमाम एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के सिलेबस के अनुसार है। इसमें कैडेट्स को ड्रिल के बारे में सिखाया जाता है, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसा कि आप अभी पीछे देख रहे हैं, कैडेट्स यहाँ पे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ कैडेट्स को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाता है, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो यहाँ पे कल्चरल शो करें, उनके अंदर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाता है, और साथ में ही उनको लेक्चरेट में भी विभिन्न शीर्ष टॉपिक्स पे बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमें इस बात का गर्व है कि यहाँ की गर्ल कैडेट्स, जो कि आप यहाँ पे सीनियर विंग के कैडेट्स देख रहे हैं, इन्होंने इस कैंप में बहुत जोश के साथ पार्टिसिपेट किया है, और मुझे ये यकीन है कि ये सभी प्रोत्साहित हैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही साथ आगे चल करके ये एक अच्छा नागरिक बनने का भी दायित्व निभाएंगी। ये कैंप इस बार 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण डिले हो गया है, और इसकी अवधि 10 दिन की होती थी, जो कि अभी रिड्यूस करके 5 और 3 दिन में की गई है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कैडेट्स को इस शॉर्ट पीरियड में दिया जाए और इसका इनको भरपूर लाभ मिले। जय हिंद। इस समय 226 कैडेट्स हमारे इस कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कॉलेजेस मुख्य रूप से अम्बाला कैंट और मुलाना के, और साथ ही शाहबाद के कॉलेजेस हैं, जैसे कि एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट, आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट, जीएमएन कॉलेज अम्बाला कैंट, एमडीएसडी कॉलेज अम्बाला सिटी, और एमएमयू मुलाना के भी कैडेट्स इसमें शामिल हैं, और साथ ही शाहबाद का भी आर्य कन्या महाविद्यालय कॉलेज इसमें शामिल है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.